मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और बालाघाट जिले के लांजी से विधायक हिना कावरे एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। हादसे के दौरान सब इंस्पेक्टर समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। हिना कावरे रविवार देर रात अपने गाँव करनापुर में आयोजित समारोह में शामिल होकर लौट रही थी। इसी दौरान गोंदिया रोड पर बालाघाट से 12 किलोमीटर दूर साले टेका गांव के पास एक बड़े ट्राले ने विधानसभा उपाध्यक्ष के फालो कार को जोरदार टक्कर मार दी। हिना कावरे की कार फालो वाहन के आगे आगे थी, जिसे चालक ने बड़ी सावधानी से बचाते हुए आगे निकला, लेकिन ट्राले ने पीछे से आ रही फालो कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसे एसआई हर्षवर्धन सोलंकी, प्रधान आरक्षक हामिद शेख, आरक्षक राहुल कुलार और ड्राइवर सचिन की मौत हो गई। आपको बता दें कि हाल ही में हिना कावरे मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष और बालाघाट जिले के लांजी से विधायक हिना कावरे एक सड़क हादसे में बाल बाल बची हैं। हादसे के दौरान सब इंस्पेक्टर समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। हिना कावरे रविवार देर रात अपने गांव किरनापुर में आयोजित समारोह में शामिल होकर लौट रही थी और इसी दौरान गोंदिया रोड पर बालाघाट से 12 किलोमीटर दूर साले टेका गांव के पास एक बड़े ट्राले ने विधानसभा उपाध्यक्ष की फालो कार को जोरदार टक्कर मार दी। हिना कावरे की कार फालो वाहन के आगे आगे चल रही थी, जिसे चालक ने बड़ी सावधानी से बचाते हुए आगे निकाला, लेकिन ट्राले ने पीछे से आ रही फालो कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसे एसआई हर्षवर्धन सोलंकी, प्रधान आरक्षक हामिद शेख, आरक्षक राहुल कोलार और ड्राइवर सचिन की मौत हो गई। बड़ी घटना हुई और ये हमारे आंखों के सामने देखने की घटना हो गई। हमारे चार लोग अभी मैं उनकी शोक सभा आयोजित की थी, इसमें ही जा रही और हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, कर सकते उनके परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शासन की तरफ से क्या उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा।